अक्षरा सिंह की माँ ने पवन सिंह को चप्पलों से पीटा। ये हम नहीं कह रहे हैं, अक्षरा सिंह खुद कह रही हैं। अब आप ये मत कहने लगिएगा कि इसमें नया क्या है, ये बात तो वायरल हो भी चुकी है, ये बात को बीते हुए जमाना हो गया है। जमाना हो गया होगा, लेकिन अब इस बात से सच्चाई उठी है। सच्चाई उठाने वाले हम नहीं है, बल्कि जिस सेट की बात कर रही थी, जिस फिल्मी सेट की बात कर रही थी अक्षरा सिंह, उस वक्त उस जगह पे मौजूद एक व्यक्ति ने की है। उस व्यक्ति का कहना है कि नीलिमा सिंह ने पवन सिंह को नहीं बल्कि अक्षरा सिंह को अपना चप्पल दे मारा था। अक्षरा सिंह की मम्मी ने पवन सिंह को नहीं बल्कि अक्षरा सिंह को चप्पल दे मारा था। इसकी पुष्टि पवन राजा के सेट पर मौजूद इस व्यक्ति ने की है। आपको बता दें, इस व्यक्ति का कहना है कि नीलिमा सिंह से अक्षरा सिंह किसी बात की बहुत बुरी तरह से बहस कर रही थी, जो बात नीलिमा सिंह को अच्छी नहीं लग रही थी। कई बार नीलिमा सिंह ने अक्षरा सिंह को शांत करने की भी चेतावनी दी, लेकिन अक्षरा सिंह आपे से बाहर हो चुकी थी। इस पर गुस्सा कर नीलिमा सिंह ने अपना चप्पल अक्षरा सिंह की तरफ फेंक दिया। वैसे अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पवन और अक्षरा में आए दिन फिल्मी सेट पर झगड़े हुआ करते थे। वैसे जब इस बात का अक्षरा सिंह ने खुलासा किया था कि नीलिमा सिंह ने चप्पलों से पवन सिंह को मारा था, तभी यह बात किसी को हजम नहीं हो रही थी कि पवन सिंह जैसे सुपरस्टार को नीलिमा सिंह कैसे चप्पल मार सकती हैं। खैर, चाहे जो भी हो, लेकिन इस खबर की पुष्टि हम भी नहीं कर रहे हैं। इस खबर की पुष्टि वो व्यक्ति कर रहा है जो कि पवन राजा के सेट पर उस दिन मौजूद था और जिसने अपने आंखों देखा हाल आजकल मीडिया में बता रहा है और जिसकी वीडियो खूब वायरल भी हो रही है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।